नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बुलंदशहर में मकान की नींव ज्यादा खोदने के चक्कर में गोदाम भरभरा कर गिरा, बड़ा हादसा होने से बचा। आपको बता दें कि बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला बीसा कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने प्लॉट के लिए ज्यादा गहरी नींव खोद दी और बारिश आने पर बराबर में बना गोदाम गिर गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। क्या हुआ? ये गोदाम है हमारा, ये गोदाम गिर गया है यहाँ पर। अच्छा। और जो पड़ोसी है बुनियाद खोद रहा था और बुनियाद खोदने के साथ साथ उसने बारिश में काम शुरू करा और वो जो है पिलर खोदे उसने, तीन दिन मुड़ गए रहे जी। उसके कारण जो है थोड़ी बारिश हुई, उसमें पानी भर गया, उसके कारण हमारा पूरा गोदाम भी डैमेज हो गया। अच्छा, पड़ोसी का नाम क्या है जिनने बुनियाद खोली? मुबीन है, कोई बैंक वाले कर गए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले कुछ पता है? घर वाले के बताते हैं। ठीक, क्या नाम आपको? मेरा नाम तनीम अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ क्या मामला हुआ बीसा कॉलोनी में? बीसा कॉलोनी में हमारी गोदाम, हमारी दुकान है, मेरा टोकला साहब का नाम था, उसका एक गोदाम था जी। ये करीब 12 साल पुराना गोदाम बना हुआ था हमारा यहाँ जी। इसमें कांच का काम होता था, कारखाना था, इसमें मशीनरी लग रही थी, इसी से घिसाई करना कटना जाता था जी। इसकी और लॉकडाउन में ये बंद था, इसके बराबर वाला जो आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी, इसके बुनियाद खोद कर छोड़ रखी थी जी। इसकी लापरवाही से गहरी बुनियाद खोदने की वजह से 2-3 दिन बारिश आई, बारिश में पानी बुनियाद में भर गया। अच्छा, इसके गिरने का कारण क्या क्या रहा? इसका गिरने का कारण ये रहा कि 2 दिन लगातार बारिश आई है जी, वो इसका मेन कारण है। और थोड़ी सी लापरवाही पड़ोसी की है, जिसका ये प्लॉट है हमारा बराबर वाला। क्या नाम है पड़ोसी का, इसका प्लॉट वाला? ये सुनने लोगों को मुताबिक पता लगा कि क्योंकि मोबिल है, तो उनके भाई का प्लॉट है। इन्होंने लापरवाही से बुनियाद खोल छोड़ रखी थी 8 दिन से। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।